नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम लोग का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग की रिमोट सेंसिंग की वीडियोस ऑलरेडी आ रही हैं और वो आगे भी आती जाएंगी। आप सब लोग की ह्यूज डिमांड पर हम लोगों ने क्या काम किया है, रिमोट सेंसिंग और GIS दोनों को साथ में हम लोग चलाएंगे वीडियोस को, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा पहला लेक्चर है किसका, GIS का, जिसमें कि आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि GIS क्या होता है, ठीक है, और GIS की एक मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन दी जाएगी और कुछ फ्लो चार्ट से हम लोगों ने आपके लिए कुछ फ्लो चार्ट्स रेडी किए हैं जिनसे आप लोग को समझाने में हम लोग को आसानी होगी। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती रहे तो गाइज लाइक करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना बेसिक लेक्चर से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GIS, ये जो हम बात कर रहे हैं GIS होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा GIS है, सबसे पहले GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किन किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला होता है जियोग्राफी और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए मैंने ये आपको छोटा सा फ्लो चार्ट किया है, आपका GIS किन से बना है, पहला जियोग्राफी, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम लोग दोनों को अच्छे से प्रॉपरली पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं जियोग्राफी क्या होता है। आप सब तो जियोग्राफी के स्टूडेंट होंगे ही, आप सबको काफ़ी नॉलेज होगी, बट स्टिल हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एक ओवरलुक ले लेते हैं और फिर हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफी क्या होता है। तो देखिए आप सब लोग जानते हैं, जियोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जियो स्पेशियल पैटर्न एंड प्रोसेसेस। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया जो आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा, ये होता है जियो स्पेशियल पैटर्न एंड प्रोसेस। ये क्या चीज़ होती है, तो जहाँ पे भी बात आ जाए जियो स्पेशियल मतलब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये एक स्टडी होती है। किस चीज़ की स्टडी होती है, अर्थ के सरफेस पे। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बेसिकली क्या होती है, स्टडी होती है। क्या होती है, लोकेशन की स्टडी होती है। किसके अंदर होती है, जियोग्राफी के अंदर होती है। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी लोकेशन की स्टडी को हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे माने को एक पॉइंट बना दिया, ये एक मिनट रुकिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से। मान लीजिए ये देखिए, ये एक पॉइंट बना दिया। अब इस पॉइंट पे मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन की हम लोग स्टडी कैसे कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे कि बेसिकली अर्थ पे इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे। क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट देखेंगे। आप सब अच्छे से कोऑर्डिनेट जानते हैं। अब बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, लेकिन इतना आसान थोड़ा ना कि हम लोग को आसानी से कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट पाने के लिए हम लोग क्या होता है, दो चीज़ों को ध्यान देते हैं। पहला क्या होता है, पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड। क्या पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड। और दूसरा क्या पढ़ा होगा, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा लैटिट्यूड। क्या पढ़ा होगा, लैटिट्यूड। तो ये देखिए हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से क्या करते हैं, जनरली किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। और जब कोऑर्डिनेट पता चल गया तो अर्थ के सरफेस पे उसकी हमें लोकेशन पता चल जाएगी। और इसी स्टडी को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, जियोग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है गाइस, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं बता दूं, अक्षांतर एवं देशांतर कहते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या करता है, ये जो जियोग्राफी है इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं और वहाँ पर हो रहे ह्यूमन और उसके फिजिकल फिनोमिना का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि किस तरह से वहाँ पर कौन कौन से फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं और वहाँ पर किस तरह से ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कितने एरिया में कितने लोग हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं, जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो आई होप लोग, आप लोग को ये एक पोर्शन तो क्लियर अच्छे से हो गया होगा कि यहाँ पर क्या, ये जियोग्राफी क्या होती है, ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, ध्यान से आराम से समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम को देखिए, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट्स आप लोग के लिए बना रखा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को समझेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आप ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखिए, ये RHS में लिख दे रहा हूँ, ये देखिए ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, सबसे पहले आप इसे समझिए। हम लोग कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि देखिए जैसे नाम ही इसका क्या सिग्निफाई कर रहा है, भाई एक हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है जो कि क्या आपको दे रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, उसको क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है ये बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इन कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है। तो देखिए किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला पीपल, पीपल मतलब लोग। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग बेसिकली क्या है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पर थोड़ी सी कंप्यूटर की चीज़ें आ जाती हैं, कोई बात नहीं,
टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, आप सब लोग बेसिकली क्या करते हो, मोबाइल तो सब लोग यूज करते हो, करते हो, तो बेसिकली क्या है मोबाइल में आप लोग का, आप जानते हो एंड्रॉयड, आपने नाम सुना होगा, ये देखिए एंड्रॉयड नाम सुना है। और कुछ लोग जो एप्पल यूज करते हैं, भाई बड़े लोग हैं, एप्पल आईफोन यूज करते हैं, उनमें क्या होता है जनरली एप्पल का अपना है खुद का वो पड़ा होता है, क्या होता है सिस्टम। तो बेसिकली ये जो एंड्रॉयड है और ये जो एप्पल है, ये बेसिकली क्या है आपका सॉफ्टवेयर है, क्या है, किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। इतना आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है हार्डवेयर के बिना। मान लीजिए अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं है तो एंड्रॉयड चलेगा किसके अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग को कंसेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है, एक फिजिकल थिंग होती है, वो चीज़ें जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या है, उसको आप टच वच नहीं कर सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर के अंदर होता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए पहले लोग होते हैं पीपल्स, दूसरे होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी कि वो डिवाइसेस जो आपस में क्या करें, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, जैसे हम लोग फोन पे अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करते हैं ना, बातें करते हैं, वैसे यहाँ पर डिवाइसेस होती हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीपल की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पीपल हैं, बेसिकली वो पीपल कौन से हैं, पीपल हैं जो आपके इस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस और या फिर इसका यूज करें। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अगर आपका फोन रखा है तो वो रखा ही रह जाएगा, आप भी तो होने चाहिए ना, आप यहाँ पर पीपल की तरह काम करोगे, आप ही तो अपने फोन को यूज करोगे, तो यानी कि कुछ पीपल होने चाहिए ना जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करें। और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिकली इसमें अंदर होता क्या है, अभी मैं इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर डीप में जाऊंगा, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर है, सबसे पहले आप ये राइट हैंड वाला समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ आदमी है यानी कि कुछ मनुष्य है, पीपल है, जो कि आपका क्या करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और फिर उनसे क्या करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस बेसिकली क्या करती है, एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करती है। तो बेसिकली हम लोग, अब देखिए छोटी सी डेफिनेशन है, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम कह सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है इसका बेसिकली क्या काम है, इसका काम है, अब लेफ्ट हैंड साइड वाले फिगर पे आइए, इसका काम है ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कंटेन करता है, क्या रखता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखता है। देखिए यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ जो डिजिटल फॉर्म में हो, यानी कि एक ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि किसी जगह स्टोर किए जा सकें, किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किए जा सकें। जैसे कि आजकल देखिए आप लोग क्या करते हैं, हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं ढेरों गाने स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिकली वो जो गाने हैं वो क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं। क्यों है इनको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्योंकि वो किसी स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस में क्या किए जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं, क्या है स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आपका स्टोरेज डिवाइस एग्जांपल के तौर पे क्या है, आपका वो मेमोरी कार्ड, क्या है मेमोरी कार्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखता है, लेकिन यहाँ पर गाने वाने नहीं होते। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो आपका जियो स्पेशल डेटा है, जो मैंने भी आपको बताया था, यानी कि वो डेटा जिसमें आप लोग क्या करते हैं लोकेशन से रिलेटेड जो भी डेटा रखते हैं, अर्थ के सरफेस पे हो रहे लोकेशन से जितने भी फिनोमिना है, जो कि यानी कह सकते हैं आप आदमियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि इंसानों का डिस्ट्रीब्यूशन हो अर्थ के सरफेस पे, या कोई फिजिकल फिनोमिना हो अर्थ के सरफेस पे, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब का क्या करते हैं आप डेटा को क्या इसमें रखते हैं, इस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स में होता क्या चीज़ है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर होता क्या चीज़ है, मैं भी आप लोग को कुछ सॉफ्टवेयर्स के भी नाम बताऊंगा जो कि बेसिकली जीआईएस सॉफ्टवेयर्स हैं और यूज किए जाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली करती क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो भी सोर्स फाइल है उसको एज एन इनपुट लेती है, यानी कि आप लोग यहाँ करते क्या करते हो, अपना जो भी आपका जियोस्पेशियल डेटा है, यानी कि जियोग्राफिक डेटा है, लोकेशन से रिलेटेड जो भी डेटा है, उसको क्या कराते हो आप इनपुट कराते हो, यानी कि किसी डिवाइस में स्टोर कराने के लिए क्या करते हो भेजते हो। लेकिन अभी ये जो डेटा है वो प्रोसेस नहीं होता है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज नहीं होता है, सब एक दूसरे में क्या होता है मिसमैच होता है, खुचर पुचर टाइप का होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इस तरह से आप लोग क्या होता है डेटा को इनपुट कराते हो, मतलब आपने उन्होंने रैंडम डेटा उठाया, उसको बेसिकली क्या किया अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इनपुट कराया, यानी कि अंदर स्टोर कराया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या चीज होता है, एक बार जब आपका डेटा इनपुट हो गया फिर आप क्या करते हैं,
रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जो भी आपका डेटा है उसका एक पर्टिकुलर, उसका एक रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग यहाँ पर रिकॉर्डिंग इन द सेंस प्रोसेसिंग करते हैं। मैंने बताया था ना, डेटा अनप्रोसेस्ड फॉर्म में आता है, यानी कि खुचुर पुचुर फॉर्म में आता है, कोई भी मतलब प्रॉपरली वो नहीं रहता अरेंजमेंट। तो बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर, आप अपने अब जो डेटा आपने जियो स्पेशल डेटा आपने डाला है उसका क्या करते हैं, आप अरेंजमेंट करते हैं, प्रॉपरली तरह से रिकॉर्ड करते हैं उसको, प्रॉपरली टेबलर फॉर्म में स्टोर करा देते हैं, ठीक है, अच्छे से। अब देखिए, और तीसरा काम क्या होता है, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद आप आपको क्या करते हैं, उसका आप एक आउटपुट जनरेट करते हैं, यानी कि इनपुट चाहे आपने जैसा भी दिया हो, इधर उधर कोई भी डेटा उठा के दे दिया, लेकिन जब यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जब प्रोसेस होकर आपका आउटपुट मिलेगा, तो जो आपका आउटपुट होगा वो बिल्कुल सटीक होगा, सटीक इन द सेंस प्रॉपर टेबलर फॉर्म में होगा। कोई यूजर अगर उसको रीड करना चाहे तो क्या करेगा, उसको प्रॉपरली रीड कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म करना चाहे तो वो भी आराम से किए जा सकते हैं। अब देखिए, जो ये आपका रिकॉर्ड्स होते हैं, अब ये तो काम है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। क्या काम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, जो भी आपकी सोर्स फाइल है, जो आप डेटा दोगे उसको क्या करेगा, एज एन इनपुट अपने पास स्टोर करेगा, फिर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा या फिर रिकॉर्ड करेगा और फिर आउटपुट जनरेट करेगा। दो चीजें और आती हैं, जो आपका डेटा जो आप इनपुट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, जो आउटपुट दे रहे हो, उसका क्या करता है, एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करता है। अभी आपको ये टर्म भी मैं समझाता हूं, डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा इंडेक्सिंग। पहला क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा होता है इंडेक्सिंग। तो चलिए अब डॉक्यूमेंटेशन सीखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज होती है, मान लीजिए कोई डेटा है, मान लीजिए ये एक डेटा है, एक पर्टिकुलर जगह का डेटा, मान लीजिए लखनऊ का डेटा है, ठीक है, ये लखनऊ का डेटा क्या है, स्टोर किया जा चुका है, लखनऊ का सारा जियो स्पेशल डेटा मैंने क्या किया, स्टोर करा लिया। और स्टोर करा लिया, अब मान लीजिए एक नया डेटा हम लेते हैं दिल्ली का, किसका लेते हैं, न्यू दिल्ली का। अब मैं मान लीजिए दिल्ली के डेटा में कभी मुझे देखना पड़ जाए कि हाँ मैंने लखनऊ के डेटा में किस तरह से प्रोसेसिंग की थी, तो क्या होता है, हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ लखनऊ के डेटा में, एक डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है, एक तरह की फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें सारा प्रोसीजर डिफाइन कर देते हैं। प्रोसीजर डिफाइन मतलब कि हाँ हमने इस तरह से डेटा को लिया था, हमारा पास कुछ ऐसा डेटा था, फिर हमने कुछ इस तरह से डेटा को क्या किया था, स्टोर किया था, इस तरह से डेटा को प्रोसेस किया था। और फिर जब भी अगर मान लीजिए हमें दिल्ली के डेटा में आवश्यकता पड़ गई कि किस तरह से है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लखनऊ का डॉक्यूमेंटेशन है इसकी हेल्प से दिल्ली के डेटा को हम आराम से प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा होता है इन डेटा की इंडेक्सिंग। अब देखिए इंडेक्सिंग का कंसेप्ट समझिए, इंडेक्सिंग क्या होता है, आप सब आराम से है, आपको GIS पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बुक रेफर करते होंगे GIS पढ़ने के लिए। तो बुक में क्या होता है, बाहर इंडेक्स दे रखा होता है कि भैया चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 से लेकर 12 तक के पन्ने पे चैप्टर नंबर 1 है। तो इंडेक्स बेसिकली आपको क्या बताता है, इंडेक्स आपको यहां पर यह जानकारी दे देता है कि यहां जो भी कंटेंट आप ढूंढ रहे हो, अगर आप ढूंढना चाहोगे तो आपको इस पेज पे मिल जाएगा। इसी तरह सिमिलरली यही केस डेटा में भी होता है। इंडेक्सिंग बेसिकली ये बताता है, मान लीजिए आपकी एक पर्टिकुलर आउटपुट डेटा है, इस तरह की मल्टीपल टेबल आपकी क्रिएट हो सकती हैं और मल्टीपल आउटपुट आ सकता है आपका डेटा का। एक बार कोई पहली टेबल बन गई, दूसरी बार दूसरी टेबल बन गई, अब आपको देखना है ये पहली टेबल कहाँ है, तो मान लीजिए ये दूसरे पेज पे मैंने कहीं स्टोर करा रखी है फाइल में, तो इंडेक्स की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, सीधा दूसरे पेज पे जाओगे और इस डेटा को आराम से देख सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ बताइएगा, मैं आप लोग के लिए एक और आसान वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को एक बार देखिए, ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे उतना आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा, GIS बेसिकली क्या होता है, दो टर्म से बनके बनता है, एक होता है आपका ज्योग्राफी और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफी मैंने आपको बता ही दिया बेसिकली क्या है, आपका जियो स्पेशियल डेटा का कलेक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, ये सब किस में आ जाता है, आपका जियोग्राफी की स्टडी में आ जाता है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वो मैंने आपको भी क्या बताया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन डिवाइस। अब देखिए, और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ तो यूज करता होगा ना, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो भी डेटा है जियो स्पेशियल डेटा इनपुट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद आपका क्या होता है, उसका आप आउटपुट जनरेट करते हो, और आउटपुट इन्हीं और इन तीन स्टेप्स को करने के साथ साथ क्या है, आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हो, यानी कि अगर आपको कभी इस पर्टिकुलर डेटा का यूज करना हो तो बेसिकली क्या है, आप लोग पर्टिकुलर यूज करते हो और साथ ही साथ इंडेक्स क्रिएट करते हो। इंडेक्स मतलब इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज की आवश्यकता हो तो पूरा रिकॉर्ड खोजने के बजाय आप सीधा इंडेक्स में देख लीजिए इसकी पोजीशन कहाँ है और सीधा उसी पन्ने पे जाकर आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोग को यहां तक इतना समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोग को क्या है कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा, यानी कि कुछ आप लोग को एग्जाम्पल दे दूंगा ये बेसिकली जीआईएस सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो देखिए जीआईएस सॉफ्टवेयर के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं, आप लोग खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और मैं आप लोग को चाहूंगा कि आप लोग जरूर एक जीआईएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको यूज करना सीखें। एक होता है QGIS, पहला देखिए पहला सॉफ्टवेयर है जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है QGIS, काफी सिंपल इंटरफेस है इसका, आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। QGIS है, या फिर है एक ARCGIS, क्या है ARCGIS, ये देखिए ARCGIS बेसिकली ये लेयर्ड स्ट्रक्चर पे काम करता है, आप लोग इसको अच्छे से सीखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तब हम लोग आगे इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिए और ये लास्ट में आ जाता है ये ARC मैप, ये देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पे क्या किया है कुछ आप लोग को एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, आप लोग इन एग्जाम्पल का ट्राई करिएगा। और एक सॉफ्टवेयर मैं आप लोग को और बता रहा हूं, और एक ये सॉफ्टवेयर है आप लोग का ज्योमेट्रिका नाम का, मैं खुद भी इस वक्त गूगल पे आप लोग को खोज के बता रहा हूं, ज्योमेट्रिका, ठीक है। अगर आप में से किसी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग क्या करिए वहां से जाकर भी आप लोग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेशली कौन सा ज्योमेट्रिका, ये देखिए ये बेसिकली क्या है ज्योमेट्रिका, ये सॉफ्टवेयर है, आप लोग जो भी लोग भी चाहें इसको डाउनलोड करना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बाकी चाहूंगा तो बाकी सॉफ्टवेयर की डाउनलोड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूज करिएगा तभी आप सीख पाएंगे, एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ जीआईएस, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने ली है जीआईएस की, अब मैं आप लोग को क्या करता हूं उसे एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए यहां पर तो जीआईएस बेसिकली क्या है, जीआईएस इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज यूज टू इनपुट स्टोर रिट्रीव मैनिपुलेट एंड एनालाइज एंड आउटपुट ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा और जियो स्पेशियल डेटा। पहले इतनी चीज को अच्छे से समझते हैं फिर आगे की डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहां मैंने क्या कहा था आप लोग के लिए, मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, तो देखिए मैंने आप लोग के लिए फ्लो चार्ट बना रखा है, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखिए मैंने क्या बताया था, बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका जीआईएस है, ठीक। जीआईएस बेसिकली क्या है, मैंने अभी आपको बताया था इंफॉर्मेशन सिस्टम और ज्योग्राफी दो टर्म का कॉम्बिनेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और क्या होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो देखिए यहाँ पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के से ही रिलेटेड सारा टर्म होता है। पहला क्या करते हो आप लोग, अपना कोई भी डेटा है उसको इनपुट कराते हो, फिर क्या करते हो वो डेटा जब इनपुट होता है उसको किसी जगह पे स्टोर कराते हो। तीसरा क्या होता है, अगर कभी जरूरत पड़े, रिट्रीव मतलब क्या होता है फेच करना मतलब निकालना, मान लीजिए स्टोर डेटा को अगर आपको शो कराना है तो आप लोग क्या कराते हो उसको शो भी प्रॉपरली करा सकते हो। तीसरा सॉरी फोर्थ है आपका मैनिपुलेट, मैनिपुलेट आप लोग जैसे मैं अभी आप लोग को एग्जांपल देता हूं, मैनिपुलेट मतलब क्या होता है चेंजेस परफॉर्म करना, मान लीजिए कोई नया डेट कोई पर्टिकुलर टेबल बनी हुई है, कोई रिकॉर्ड आपके पास ऑलरेडी है उसमें कोई चीज़ बदलाव आ गया तो आप लोगों ने क्या किया मैनिपुलेट किया डेटा को, यानी कि कोई पर्टिकुलर डेटा में कुछ चेंजेस किए। और लास्ट है उसको एनालाइज करना, एनालाइज करना मतलब उसकी प्रॉपर स्टडी करना, और इन सब चीज़ों से बेसिकली आप लोग क्या करते हो, इन सब चीज़ों से आप लोग करके डिसीजन बन लेते हो, क्या लेते हो कुछ डिसीजन लेते हो, कुछ हायर अथॉरिटीज होती हैं जो कि इन डेटाज को क्या करती हैं GIS से दिया गया डेटा को लेकर कुछ पर्टिकुलर डिसीजन लेती हैं। अब वो डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं उसके हम आगे अपनी डेफिनेशन को वरी कंटिन्यू करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, इट इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज यूज टू इनपुट स्टोर रिट्रीव मैनिपुलेट एनालाइज एंड आउटपुट ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा और जियो स्पेशियल डेटा इन ऑर्डर टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने अभी बताया आपको डिसीजन लेते हैं किस चीज के लिए, या फिर प्लान करते हैं किसके लिए, किस तरह से लैंड यूज, सबसे पहला टर्म आता था ये देखिए यहाँ पे लैंड यूज, किस तरह से बेसिकली आपका जमीन का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा आता है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं वो रिसोर्सेज जो प्रकृति द्वारा हमें ऑलरेडी दिए रहते हैं, और हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है, हमारे पास डेटा है तो हम ये बता सकते हैं कि किस सरफेस पे यानी अर्थ के किस सरफेस पे कितने अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज क्या है अवेलेबल है। सिमिलरली उसी तरह हम लोग क्या करते हैं एनवायरमेंट के बारे में बता सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यानी कि अर्थ के सरफेस पे ही तो सारी बातें होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप लोग का एनवायरमेंट कैसा होगा, यहाँ पर आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन, देखिए अगला पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह से यातायात का होगा, क्या क्या अर्बन फैसिलिटीज यहाँ पर दी जानी चाहिए, अर्बन फैसिलिटीज पे भी बैठ कर क्या डिसीजन लिया जा सकता है, या फिर किस तरह से अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बेसिकली यहाँ पर होता है
जो भी रिलेटेड, यानी कि इन सब के अलावा अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए तो वो भी बेसिकली क्या है आपका जीआईएस की डेटा की हेल्प से आपका किया जा सकता है। सो ये थी बेसिकली आज की हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसके बाद अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हम इसके बाद अगली वीडियो आएगी बेसिकली क्या है की कंपोनेंट ऑफ जीआईएस, या कह लीजिए कंपोनेंट ऑफ जीआईएस पे, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। और रिमोट सेंसिंग की वीडियो आप देखते रहिए, रिमोट सेंसिंग की वीडियो कंटिन्यूएशन में आती रहेंगी, ठीक है। हम लोग साथ ही में क्या करेंगे जीआईएस भी चला देंगे ताकि आप लोग का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। वीडियो अगर समझ में आई हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, नहीं समझ में आई हो तो गाइस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, मैं दावा करता हूँ आप लोग को पक्का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।